हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी की ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट foodflavors.com को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल रेसिपी मिल जाएगी। आज मैं बंगाल का फ्लेवर लेके आई हूँ आप लोगों के। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है और इसमें किसी भी मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 चम्मच तेल और थोड़े से गार्लिक के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है। बनाना भी बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। तो जब भी आपको कुछ डिफरेंट खाने का मन हो या बहुत कम टाइम हो आपके पास, तो आप इसको फटाफट घर में रेडी कर सकते हैं। मुश्किल से 5 से 7 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ आप कैसे भी खा सकते हैं, बट मेन जो रेसिपी है इसको बंगाल में राइस के साथ सर्व करते हैं, तो मैंने इसलिए राइस के साथ सर्व किया है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है परवल, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके थोड़ा सा छील लूँगी मैं। ये देखिए मेरे सारे परवल छील के तैयार हो चुके हैं। अब इसको कट करके बीच से जो भी इसके सीड्स होते हैं उसको स्कूप आउट कर लेंगे। अगर आपका परवल छोटे छोटे और थोड़े कच्चे टाइप के हैं जिसमें बीज नहीं है तो आप उसको ना स्कूप आउट करें तो भी चलेगा। अगर बड़े हैं, उसमें मोटे बीज हैं, तो ज़रूर से उसको निकाल दें। अब मैं लूँगी एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें मैंने ये चॉप्ड परवल ऐड कर दिया। उसमें डालूँगी मैं थोड़े से गार्लिक, 2-3 ग्रीन चिल्ली, थोड़ी सी धनिया। इसको थोड़ा सा पानी डाल के फ्रेंड्स हम इसको पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस इतना ही ऐड करना है कि जिससे हमारा ये पेस्ट तैयार हो जाए। मैंने पैन गरम कर लिया है, उसमें मुश्किल से 1 चम्मच तेल डाला है, थोड़ी सी सूखी मिर्ची डाली तोड़ के, और तकरीबन 3 से 4 क्लोव्स है गार्लिक के जो चॉप करके मैंने डाल दिया, और 1/2 चम्मच कलौंजी डाला है। अब इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। तब तक सॉटे करेंगे जब तक हमारा गार्लिक जो है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। अब इसमें मैंने पेस्ट को ऐड कर दिया है, जो परवल का पेस्ट बना के रखा था हमने, इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सीजनिंग करते हैं। इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, थोड़ी सी हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा शुगर, वो शुगर बस 1/2 चम्मच से भी कम है, क्योंकि शुगर से 2 फायदे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसका ग्रीन कलर भी मेंटेन रहेगा। अब इसको हम ढक के पका लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, या तब तक जब तक कि ये सूख ना जाए, इसका पानी ना सूख जाए। ये देखिए ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए हमारा परवल का भरता बिल्कुल तैयार है। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। इसमें सर्व करने से पहले मैंने 1/2 चम्मच सरसों का तेल डाला हुआ है। सरसों के तेल से एक फ़ायदा होता है कि थोड़ा उसका जो पिंजन फ्लेवर होता है ना, उसका टेस्ट बड़ा अमेजिंग सा आता है, और ऊपर से गार्निश कर दी धनिए से। अभी इसको मैं राइस के साथ सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें। श्योर है कि ये सबको बहुत पसंद आएगा और आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो इन्जॉय करें अपना लंच परवल के भरते के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैप्पी कुकिंग।